हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर को लेकर के आया हूं, जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुशहाल हैं और अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी को जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं, यानी कि स्टॉक ब्रोकिंग का सर्विस उपलब्ध कराता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेवाएं, कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं, फाइनेंसिंग, फंड आधारित सेवाएं, धन प्रबंधन और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। अगर इसका फुल डिटेल देखना हो तो इस प्रकार है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि ये कंपनी किस प्रकार के काम काज करती है। और आगे चलते हैं इसका मुख्य डाटा पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मार्केट कैप 212 करोड़, जो कि आज ही बढ़ा है काफ़ी ज़्यादा। करेंट प्राइस 2.50 रुपया, बुक वैल्यू 2.49 रुपया, तो बुक वैल्यू से अब ऊपर हो गया है। लेकिन मेरा उम्मीद है कि ये मंडे को 2.70 रुपया से लेकर के 2.90 रुपया के बीच में ट्रेड कर सकता है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी भाई लोगों के पास में अगर इसका शेयर हो तो अगर उसे सेल भी करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही। लेकिन मेरा तो माने तो इसमें अभी अपना लेवल को बनाए रखना चाहिए ताकि अच्छी खासी प्रॉफिट मिले फ्यूचर में, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइटनेस है। जैसा कि स्टॉक पी 27.2, बुक वैल्यू तो बता ही चुका हूँ 2.49 रुपया, आरओसी 6.13%, आरओई 4 रुपया, मतलब 4.54%, फेस वैल्यू 1 रुपया। आगे देखते हैं दोस्तों, इंटरप्राइजेज वैल्यू 115 करोड़ बढ़ करके हो चुका है। तो ये एक ऐसा कंपनी है जिसका कि इंटरप्राइजेज वैल्यू 115 करोड़ यानी कि मार्केट कैप से इंटरप्राइजेज वैल्यू कम है इसका। वन ईयर का अगर चार्ट देखते हैं तो इसमें भी मुझे इस चार्ट को देखने से तो यही लगता है कि इसका अगला टारगेट 2.70 रुपया और मैक्सिमम 3 रुपया को भी टच कर सकता है। अब इसमें प्रॉज तो बुक वैल्यू से ज़्यादा पर अब ट्रेड कर रही है शेयर। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा देने की उम्मीद है और डेब्टर डेज इम्प्रूव हुआ है, जो कि 42.9 से बढ़ करके 29.1 डेज, यानी कि 42.1 दिन से बढ़ करके 29.1 दिन हो गया है। और कौनस है जो कि डिविडेंड पे नहीं करती है, प्रमोटर होल्डिंग 26.4% है, ये कोई कौन सूटेबल मुझे नहीं लगता। और रिटर्न 6.11% ओवर लास्ट 3 इयर्स, यानी कि अंतिम 3 साल में तो स्लो रिटर्न्स दे रहा है। इसका पियर्स कंपनी अगर देखते हैं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, ओला मैन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस,
SBI कार्ड, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस इत्यादि। इसमें इसका पी गुड लेवल है। क्वार्टरली रिजल्ट 16.70 करोड़ का सेल्स किया था जून 2023 में। एक्सपेंस 15.31 यानी कि 3 करोड़ यानी कि 15 करोड़ 31 लाख। अदर इनकम 66 लाख का है, अच्छा है अदर इनकम भी। नेट प्रॉफिट 73 लाख का, ये काफ़ी ज़्यादा घटा है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा। और EPS 1 रुपया। तो ये देखने वाली बात है, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है तो इसमें हो सकता है कि अगला क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाए और EPS 5 से 10 पैसा हो जाए। TTM में अगर देखते हैं तो 57.36 करोड़ का सेल्स किया है। एक्सपेंस 46.14 करोड़ का। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं सबसे नीचे में तो 7.80 करोड़ का, जो कि ठीक ही है। और EPS 10 पैसा है। तो 12 मंथ के हिसाब से तो इसका ठीक ही है रिजल्ट। रिजर्व इसके पास 124 करोड़ का है, जो कि हो सकता है कंपनी कुछ अच्छा करने वाली हो इस रिजर्व को लेकर के। ब्रोइंग 32.48 करोड़ का है। टोटल एसेट अगर देखते हैं तो 277.26 करोड़। मैं मेन पॉइंट को बोल रहा हूँ। कैश फ्लो अगर देखते हैं तो 66 लाख का प्लस में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि ऊपर देख चुके हैं 26.40% प्रमोटर के पास में है और पब्लिक के पास में 73.60%। FIs DIs के पास में कुछ भी नहीं है। और इसका न्यूज मतलब 28वां एनुअल जनरल मीटिंग 25 सितंबर 2023 11:30 AM को होने वाला है, तो कुछ अच्छा ही हो सकता है। तो देखते रहिए दोस्तों इस शेयर को। और इन्वेस्टमेंट का कोई सलाह नहीं है, एक बार और फिर से बोल दे रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।